दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मैं स्पोकन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर लेकर आया हूं। इसके सहायता से कोई व्यक्ति अपने पसंद और नापसंद की बात कर सकता है। आज हम जिस स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे, इसके सहायता से हम किसी भी दो व्यक्ति या वस्तु में से किसी एक को अधिक पसंद करने का बोध कराना हो तो हम बड़ी ही आसानी से इसके सहायता से कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिए। दोस्तों हमेशा की बात ही इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक ट्रांसलेशन पूछेंगे जिसका जवाब आप अवश्य ही दीजिएगा। वो ट्रांसलेशन इस स्ट्रक्चर पे आधारित होगा। दोस्तों इससे पता चल जाता है कि मेरा जो टीचिंग है वो कहाँ तक सफल हुआ और आप उस इस लेक्चर से कितना सीख पाए। दोस्तों सबसे पहले एक सेंटेंस देखिए, मैं मांस से अधिक मछली पसंद करता हूँ। याद रखिएगा किसी दो व्यक्ति या वस्तु अर्थात दो नाउन में से किसी एक को अधिक महत्व करने का बोध दिखाना हो, बोध कराना हो, तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों याद रखिएगा प्रीफर का जो जोड़ा बनता है वो टू बनता है, दो में से एक को अधिक बोध कराने के लिए। दोस्तों ये जो प्रीफर है ये सब्जेक्ट के नंबर और परसेंट के अनुसार चेंज होगा। जैसे आपका यदि थर्ड पर्सन है, जैसे ही शी इट या एनी सिंगुलर नेम, वहां पे आपका आएगा प्रीफर्स। वहीं पे यदि आपका फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लुरल सब्जेक्ट, जैसे आपका आई यू वी या दे या कोई भी प्लुरल नाउन आता है सब्जेक्ट के रूप में, तो वहां पे आपका आएगा प्रीफर। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब का पहला रूप जो होता है वो प्लुरल होता है, जब उसके अंत में हम एस या ई एस जोड़ते हैं तो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो चलिए दोस्तों वन बाय वन करके इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। वह रात से अधिक दिन पसंद करती है, तो कौन पसंद करती है, वह सब्जेक्ट हो गया सी। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, प्रीफर्स होगा, प्रीफर लिखेंगे तो गलत होगा, सी प्रीफर्स। पसंद करने का दोस्तों हो जाएगा आपका प्रीफर्स, दिन का डे टू से अधिक, इंग्लिश दोस्तों टू है, से अधिक इंग्लिश क्या होगा दोस्तों टू नाइट, सी प्रीफर्स डे टू नाइट, वह रात से अधिक दिन पसंद करती है। कुछ लोग ईमानदारी से अधिक बेईमानी पसंद करते हैं, कुछ लोग सम पीपुल। यहां पे दोस्तों आपका सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में है तो यहां पे हम प्लुरल वर्ब लिखेंगे प्रीफर, वर्ब का पहला रूप होता है आपका प्लुरल प्रीफर। तो लोग पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, कुछ लोग बेईमानी, बेईमानी का दोस्तों हो जाता है आपका दिस ऑनेस्टी। एडजेक्टिव में वाई लगाते हैं तो आपका बन जाता है ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन, सम पीपुल प्रीफर दिस ऑनेस्टी टू ऑनेस्टी। दोस्तों इस वाक्य में यदि आप डिसऑनेस्ट लिखते हैं या केवल ऑनेस्टी लिखते हैं तो एरर हो जाएगा। मेरी पत्नी चाय से अधिक कॉफी पसंद करती है, मेरी पत्नी माय वाइफ या स्पाउस भी लिख सकते हैं दोस्तों, और बेटर हाफ भी लिख सकते हैं। प्रीफर्स हो जाएगा यहाँ पे थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। माय वाइफ प्रीफर्स कॉफी टू टी, माय वाइफ प्रीफर्स कॉफी टू टी। अगला सेंटेंस है, मैं राधा से अधिक सीता को पसंद करता हूं। आई प्रीफर यहां पे जो सबसे अंत में होगा उसको यहां पे हम लिखेंगे। जैसे ही आपका सीक्वेंस होगा ऐसे पसंद करना ये हो गया, अब क्या है सीता, आई प्रीफर सीता टू राधा। हिंदी देखिए कैसे निकलेगा, मैं राधा से अधिक सीता को पसंद करता। तो आई होप आर यू गेटिंग इट।
आप ये लोग इसको बहुत ही अच्छा से समझ पा रहे होंगे। दोस्तों ये जो सेंटेंस है कि मैं मांस से अधिक मछली पसंद करता हूं, मांस का आपका हो जाएगा मीट, मछली का आपका हो जाएगा फिश। इसका आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर में एक और भी पॉइंट है दोस्तों। जैसे यहाँ पे अभी हम चर्चा किए दो नाउन के बीच, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच किसी एक को अधिक पसंद करने का हम बोध कराया है। दोस्तों जब हमें किसी वाक्य से किन्हीं दो कार्यों में से एक कार्य को अधिक पसंद करने का बोध कराना हो तो हम वहां पर भी इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहां पे कुछ आता है चेंजिंग, उस स्ट्रक्चर को हम लिख देते हैं। आप अच्छा से इसको नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों इसमें जो चेंजिंग आएगा ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे ग्रामेटिकल कंसेप्ट याद रखिएगा। सबसे पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा प्रीफर, ये प्रीफर्स भी हो सकता है, तब आएगा जीरंड, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का चौथा रूप, प्लस टू प्लस, फिर आपका आएगा जीरंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम चाहे तो यहाँ पे कुछ चेंजिंग फिर से कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस रैदर दैन प्लस वर्ब वन। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि हम रैदर दैन लिखते हैं, यदि हम नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है परीक्षा के लिए, यदि हम रैदर दैन लिखते हैं तो इसके बाद हमारा आएगा वर्ब का पहला रूप, लेकिन रैदर दैन के पहले जो आएगा वो आएगा आपका इन्फिनिटिव विद टू, टू प्लस वर्ब वन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। यदि दोस्त यदि आप केवल प्रीफर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, केवल प्रीफर, तो ये जो सॉरी यहाँ पे प्रीफर का जोड़ा दोनों बन रहा है, यदि आप इनके बदले टू लिखते हैं तो इसके बदले दोनों तरफ भाग का आप चौथा रूप आएगा, अर्थात तो दोनों तरफ आपका नाउन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको अच्छा समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप। यदि रैदर दैन होगा तो भर्ब के इसके पहले टू प्लस वर्ब वन आएगा और बाद में केवल वर्ब वन आएगा। यदि हम टू लिख आता है ऐसे या इस कंसेप्ट पे तो पहले भी वर्ब फोर और बाद में भी वर्ब फोर। ठीक है दोस्तों, हाँ एक और चीज जोड़ लीजिए, आगे हम आपको बताएंगे। यदि दैन हो, यहाँ पे दैन लिखेंगे नहीं, अलग स्ट्रक्चर में इसको हम पढ़ेंगे आगे, इसके दोनों तरफ यदि वर्ब की बात हो तो दोनों तरफ वर्ब वन आता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। अब दो कार्य क्या होगा, हम कहे कि राधा नाचने से अधिक गाना पसंद करती है, राधा नाचने से अधिक गाना पसंद करती है, राधा नाचने से अधिक गाना पसंद करती है। यहाँ पे दो कार्य है, पहला है नाचना, दूसरा है गाना। तो यहाँ पे दो कार्यों में से एक कार्य को अधिक महत्व देना है, अधिक पसंद करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राधा प्रीफर्स सिंगिंग टू डांसिंग। इसको दूसरे स्ट्रक्चर से हम बना सकते हैं, राधा प्रीफर्स टू सिंग रैदर देन डांस। दोस्तों इस पे एक और सेंटेंस लेते हैं, वह पढ़ने से अधिक खेलना पसंद करती है, वह पढ़ने से अधिक खेलना पसंद करती है, सी प्रीफर्स प्लेइंग टू
प्लेइंग टू रीडिंग या प्रीफर्स टू प्ले रेदर देन रीड। आई होप इसको आप बहुत ही अच्छा से समझ पाइए, इसको आप बहुत ही अच्छा से समझ पाए होंगे। इस पे एक ट्रांसलेशन देते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में और सही दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दो स्ट्रक्चर को समझे, जैसे वे लोग भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करते हैं, वे लोग भीख मांगने से अधिक मरना पसंद करते हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था, उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आप इस स्ट्रक्चर को बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों एक लाइक और एक शेयर आप और शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, हैव अ नाइस।